में नवीन सर से संपूर्ण जानकारी लेंगे। ग्रुप डी विद्यार्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण होगा, ताकि आप सबका लगातार कमेंट आ रहा था कि सर का थोड़ा सा इंटरव्यू लीजिए, और एक सबसे बड़ा मुद्दा जो आप लोगों का था कि वेटिंग पर भी चर्चा कीजिए, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर चैनल। सबसे पहले तो एग्जाम टूर चैनल के जितने भी दर्शक देख रहे हैं मेरे तरफ से उनको सादर प्रणाम। और चूंकि ग्रुप डी का इशू अभी आप देख रहे हैं कि ग्रुप डी का आंसर की आज जारी हो रहा है, तो इतना फास्ट रेलवे हो गई है, शायद बच्चों को भी उम्मीद नहीं था। क्योंकि जैसे ही कल इसका नोटिस आया, बहुत सारे बच्चे फोन करके ये पूछ रहे थे कि सर कहीं फेक न्यूज़ तो नहीं है, इतना रेलवे फास्ट हो गई है। लेकिन इसका अपना कुछ पॉजिटिव वे भी है, कुछ नेगेटिव वे भी है। जैसे अभी आप एक बात की चर्चा किए वेटिंग से रिलेटेड, तो इसमें दोनों बातें हैं, ये समझने वाली बात है और सारे स्टूडेंट को ये बात समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि इसके माध्यम से स्टूडेंट के साथ बहुत बेहतर चीज नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत इससे होने वाली है। समझना ये है कि अगर आप चर्चा किए तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं इस पर कि वेटिंग इससे पहले 50% वेटिंग एक्स्ट्रा दिया जाता था, जितना सीट रहता था उससे 50% रिजल्ट एक्स्ट्रा दिया जाता था। लेकिन इस बार आप देखेंगे स्पेशल नोटिस दे करके ये सूचना दी गई कि अब वेटिंग को समाप्त की जाती है और 1:1 में ही रिजल्ट जारी होगा। उस पर बहुत बच्चे आपत्ति भी शुरू में किए, इतना बड़ा आप देखे कि हुजूम हुआ। तो उसमें रेलवे का ये कहना था कि जितनी भी वैकेंसियां रहेगी हम पूरी वैकेंसी को भरेंगे, तो पूरी 1,03,000 वैकेंसी है। मान लीजिए कि जो बच्चे अब्सेंट होते हैं वेरिफिकेशन में, तो रेलवे का कहना है कि थोड़ा सा कम मार्क्स करके, मानी मार्क्स को घटा करके फिर उस सीट को हम फुलफिल कर देंगे। तो माने कि पहली बार में आप 1,03,000 वैकेंसी को भर दीजिएगा, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आप इसके इतिहास पर जाइएगा तो सब दिन से ग्रुप डी के संदर्भ में देखा गया है कि 30-40% बच्चे, 30% तो श्योर 6 महीने से साल भर के अंदर में अपना सीट छोड़ते हैं, वो ज्वाइन करने के बाद जाकर के छोड़ते हैं ग्रुप डी के वैकेंसी को, ज्वाइन करने के बाद कुछ दिन काम कर लेते हैं उसके बाद। एक्चुअली कारण इसका ये होता है, हाँ बोलिए, तो पहले जो 50% दिया जाता था वेटिंग, तो यानी कि रेलवे बोर्ड के जो भी अध्यक्ष हो, सचिव हो या कर्मचारी है, उनको ये मालूम था कि हाँ सीट उतना खाली हो जाता है उस टाइम तक, तभी ना वेटिंग दिया जाता था। नहीं, नहीं, लेकिन नहीं, अभी कि मालूम नहीं था, तो अभी आप देखेंगे 2018 का ग्रुप डी का 11वां वेटिंग, अलग अलग बोर्ड का 11वां वेटिंग अभी दिया गया, यानी कि कितने बच्चे सीट खाली किए कि आपको 11वां बार वेरिफिकेशन बच्चों का कराना पड़ा। एक बार, दो बार, तीन बार होता है, 11वां बार वेरिफिकेशन करवाया, इतने बच्चे छोड़े, उनको बच्चा पूरा नहीं हो पा रहा है, स्थिति ये है। तो आखिर आप पहली बार भर दीजिएगा तो हम पहले कारण बता देते हैं कि बच्चे छोड़ते क्यों हैं, ये जानना जरूरी है। एक्चुअली में अभी आप देखिएगा कि अच्छे अच्छे बच्चे, सुकुमार बच्चे आप जिसको कह सकते हैं कि कभी आज तक कोई काम नहीं किया है, तो वैसे बच्चे गवर्नमेंट जॉब की लालसा में, चूंकि गवर्नमेंट जॉब अभी सब किसी हर किसी को चाहिए, तो और एबिलिटी भी उन बच्चों में होती है, फॉर्म भर दिए, फिजिकल भी पास कर गए, ज्वाइनिंग भी कर लिए, जब वो बच्चे 1 महीना 2 महीना 3 महीना जॉब करते हैं तो पता चलता है कि ग्रुप डी के वर्क का ऐसा नेचर है कि हम एडजस्ट वहां कर नहीं सकते, हमसे वो काम सपरेगा नहीं। और ये सब बच्चे ग्रुप डी का जो तैयारी करते हैं उनको पता है, लेकिन इनिशियली उत्साह में या जॉब चाहिए होता है, वो मजबूरी उनके साथ रहती है, वो जाके ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन 2-3 महीने के बाद बहुत सारे बच्चे छोड़ते हैं आगे चल करके, पहला बात। दूसरा, वैसे बच्चे भी छोड़ते हैं कि जॉब हमको मिल गया, कर रहे हैं ग्रुप डी ज्वाइन कर लिए, लेकिन हम एसएससी का भी फॉर्म भर रहे हैं, बीपीएससी का भी फॉर्म भर रहे हैं, बिहार एसएससी का भी भर रहे हैं, स्टेट लेवल, अदर स्टेट लेवल का भी फॉर्म भर रहे हैं, अलग अलग फॉर्म भरते हैं। तो जैसे ही दूसरे एग्जाम में हमारा हो गया फाइनल, तो निश्चित रूप से ग्रुप डी में कौन जॉब करना चाहेगा, तो वैसे बच्चे भी छोड़ते हैं और अच्छी खासी संख्या में बच्चे छोड़ते हैं। तो ऐसे बच्चों की संख्या कुल मिला के 30-40% तक पहुंच जाता है। अब मान लीजिए कि अभी पहली बार में रेलवे भर देगी 1,03,000 वैकेंसी, लेकिन 6 महीने के बाद छोड़ेगी या साल भर के बाद, साल भर तक में जो बच्चे छोड़ेंगे उसका क्या? आखिर 30% का मतलब हुआ कि 1,03,000 पोस्ट है, तो 30,000 वैकेंसी जो खाली होने के बाद दोबारा से नहीं भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा? आप तो वेटिंग को 1:1 वेटिंग अलग से दिए ही नहीं है,
पहली बार में कर लीजिएगा, सब बार थोड़ी आप करते रहिएगा, नहीं तो आश्वस्त इस बात को कीजिए कि जो भी नीचे के बच्चे रहेंगे, नीचे मार्च वाले, उसको लास्ट तक हम लेते रहेंगे, एक साल के तक उसको लेते रहेंगे अगर वेटिंग हम समाप्त कर रहे हैं। ऐसा तो कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं उस 30,000 जो 30,000 बच्चे का सीट खाली हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये सीट आगे ऐड कर दिया जाए दूसरी वैकेंसी में। तो यही जो अभी फॉर्म भरे हुए हैं, 3 साल से लगातार बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, आखिर ये 30,000 जो वैकेंट सीट होगा उसके लिए दोषी कौन, उसके लिए कौन दोषी, आखिर इसी बच्चे का तो सीट गया वहां पर 30,000 वैकेंसी। तो ये समझने वाली बात है। और चूंकि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे आकर के मेरे पास इस बात को रखते भी हैं और हम समझाने का भी कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि रेलवे के अधिकारियों को इस बात पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए कि ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है, और वो 30,000 जो सीट वैकेंट रहना है उसका कोई ना कोई उपाय निकाल करके इन्हीं बच्चों से भरा जाना चाहिए। सर, जब आप लोग गए थे मिलने, जब बुलाया गया था उस समय, सभी लोगों को बुलाया गया था जो चल रहा था, तो उसमें ये बात नहीं रखा गया क्या? नहीं नहीं बिल्कुल ये बात रखा गया था कि वेटिंग को समाप्त नहीं किया जाए, लेकिन आश्वस्त किया गया कि मार्क्स कम करके हम बच्चों को ले लेंगे, पूरा सीट हम भर देंगे। अब इसमें एक दूसरा भी मुद्दा है, दूसरा मुद्दा ये है कि एनटीपीसी का वेरिफिकेशन चल रहा है, ग्रुप डी भी काफी फास्ट हो चुकी है, और जिस तरीके से ग्रुप डी फास्ट हुई है तो ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ग्रुप डी ही पहले फाइनल नहीं कर दे। अगर फाइनल करती है तो 35,000 प्लस एनटीपीसी का जो वैकेंसी है, मोर देन 90% यही बच्चे ग्रुप डी में रिजल्ट होना है, उस समय उसका क्या आगे? तो रेलवे को इस बात को समझ करके पहले एनटीपीसी को फाइनल करना चाहिए, उसके बाद ही ग्रुप डी को फाइनल करना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो 35,000 सीट का लोचा यहाँ पर भी बना रहेगा। वो बच्चे दोनों तो ज्वाइन करेंगे तो एको छोड़ देंगे ग्रुप, नहीं होगा, खाली सोचने वाली बात है। इसलिए इन बातों पर विचार करके हमको लगता है बोर्ड भी शायद हो सकता है इस बात को सोचे, विचार करे और इस बात को ध्यान रखे कि बच्चों के साथ अन्याय नहीं होनी चाहिए, और जो उचित प्रोसेस है जिससे कोई बच्चे सफर नहीं करें वैसा ही काम होना चाहिए। देखिए, जो भी ग्रुप डी के विद्यार्थी हैं या एनटीपीसी या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, यदि आप ग्रुप डी का फॉर्म भरे हुए हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस बारीकी को समझने का आप प्रयास करें, ताकि देखिए आप ही का जो सीट है, आप 3 साल से जो प्रयास कर रहे हैं और अंतिम चरण में यदि आप छटते हैं तो उसका कारण वेटिंग हो सकता है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि बाहर हो जाएंगे, अगर वेटिंग आता है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को जितना शेयर कीजिएगा उतना बेनिफिट होगा। और एक बात आपसे बता दें सर, से हम लोग कट ऑफ अभी चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो के बाद आपका एक और वीडियो आएगा जिसमें कट ऑफ से रिलेटेड आप लोगों को बताया जाएगा। आप जानते हैं कि एनटीपीसी में सर कट ऑफ बताए थे इसी चैनल पे, वो 100% तो नहीं कह सकते हैं लेकिन 99.99 कह सकते हैं, इसलिए कि केवल थोड़ा सा अंतर हुआ था मात्र, और बाकी सभी कट ऑफ मिल गया था। इसलिए आप लोग ध्यान दें और इस वीडियो को शेयर करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद।